वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस फॉर यूटी चैनल सुब्रीबडी। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सो एग्जाम में अक्सर जीआई टैग से जुड़े जो प्रोडक्ट होते हैं, अवस्थिति होती है, इंपॉर्टेंस होते हैं, उनको पूछा जा रहा है। सो उसी के हिसाब से इस इम्पॉर्टेंस को देखते हुए इस टॉपिक को लाया गया है। सो चलिए इसको जान लेते हैं। सो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह जो है ये चिकरी वुडक्राफ्ट है और यह मुस्क बुद्धजी चावल है। ये दोनों जो प्रोडक्ट है इनको जीआई टैग दिया गया है और इन दोनों की अवस्थिति आज के समय में भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर में है। किन किन जिला में है उसको देख लेते हैं। सो राजौरी जिला में जो चिकरी लकड़ी की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, सो ये है राजौरी जिला में, राजौरी जिला, इसको याद रखना। और जो चावल को जीआई टैग मिला है वह है अनंतनाग, याद रखना इसको कि यह अनंतनाग जिला का जो मुस्क बुद्धजी चावल है इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, सो मुस्क बुद्धजी जो चावल है न केवल पाक कला का हिस्सा है बल्कि इस क्षेत्र की कृषि संबंधी प्रतिभा का एक प्रमाण है। बडगांव और कुलगांव जैसे जिलों में इसकी खेती को विस्तार इसके बढ़ते हुए महत्व का प्रमाण है। ठीक है, समानांतर रूप से चिकरी की जो लकड़ी जो अपने बारीक दानों के लिए जानी जाती है जम्मू प्रांत की सुरम्य पहाड़ी श्रृंखलाओं से संबंधित है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध कारीगरी विरासत को प्रतिबिंबित करती है। सो ये दोनों जिला हम जान गए कि जो चिकरी वुडक्राफ्ट है यह राजौरी जिला में है, इसको जीआई टैग मिला है, और जो मुस्क बुद्धजी चावल है यह अनंतनाग जिला में है और इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, और उससे संबंधित जो जिले हैं जहां पे इसका विस्तार किया जा रहा है उसके बारे में हमने जान लिया। जीआई टैग के इंपॉर्टेंस को देख लें तो भौगोलिक संकेत तक एक बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कार्य करता है। यह न केवल क्षेत्रीय विशेषताओं को सुरक्षा संबंधी सुनिश्चित करता है बल्कि उनकी अद्वितीय प्रकृति को भी रेखांकित करता है जो उसी मिट्टी और संस्कृति में गहराई में निहित है जहां से वे निकले हैं। ठीक है, यानी कि जो जीआई टैग है ना, ऐसा नहीं कि ये पूरा जीवन पर्यंत रहता है, 10 साल के बाद ये अपडेट होता है। ठीक है, लेकिन जो जीआई टैग है जब किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है तो उसके ओरिजिन को वो दिखाता है कि इस ओरिजिन से इस प्रोडक्ट का जो भूमिगत जुड़ाव है, शुरुआत है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से इसकी अवस्थिति को दिखा दिया जाता है कि इसका जो निर्माण है, इसका जो उत्पादन है, इसका जो जन्म है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को इंगित करता है। सो एवरीबॉडी, आपको कैसा लगा जरूर अपने सलाह को कमेंट बॉक्स में बताना। और यूपीएससी सीएससी का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, सो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।